तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, एक वुडन टॉय है, वो रॉकेट की शेप का है। तो जो वुडन टॉय की शेप है वो कुछ ऐसी है। इसका जो अपर पार्ट है वो एक कोन है, ओके, एक कोन है, और नीचे वाला पार्ट, तो कोन का क्या होता है, सर्कल, आप जानते हो, ठीक है ना। बट इसमें आपको यहाँ पर एक सिलेंडर फिट है, ओके, ये सिलेंडर के ऊपर बैठा हुआ है ये वाला पार्ट, ओके। आपको बताना है कि इस वुडन टॉय का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो तरीका ये है कि अगर आपको वुडन टॉय का टोटल सरफेस एरिया किसी का भी निकालना है तो आप उसको कलर के डिब्बे के अंदर डाल दो। डायमेंशंस मैंने आपको बताई नहीं, डायमेंशन सुन लो। ये जो हाइट दी गई है, ये दी गई है कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये जो टोटल है ये दी गई है आपको 26। कितनी दी गई है, 26। अब 6 हो गई किसकी हाइट, कौन की हाइट, 26 आपकी किसकी हो गई, पूरे टॉय की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट कितनी बचेगी, बोलिए, 26 में से 6 कट चली गई तो कितनी बची, 20। ये बन गई हमारी सिलेंडर की हाइट, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो कोन है, कोन का जो डायमीटर दिया गया है वो है 5 सेंटीमीटर का, ओके। कोन का डायमीटर मतलब ये टोटल, तो इसको ले लो आप बड़ी वाली रेडियस कैपिटल आर। तो कैपिटल आर, बड़ी वाली कोन की रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ओके। यस यस, तो ये 5/2 हो जाएगी, डायमीटर 5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2, ओके। और जो सिलेंडर है, सिलेंडर की डायमीटर दिया है 3, कितना दिया है, 3, तो इसकी जो रेडियस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, यस और नो। तो इसकी रेडियस स्मॉल आर लीजिए, कितनी हो गई, 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक आ गया समझ में आपको, समझ में आया इतना। अब आपको सबसे पहले चाहिए कि देखिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए टोटल इसका सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है तो आप इसको कलर के डिब्बे में फेंक दो, NCERT क्वेश्चन ये है। आप इसको कलर के डिब्बे में फेंकोगे तो कलर कहाँ लगेगा, एक कलर तो इसके ऊपर आएगा पूरा का पूरा, बोलो हाँ या ना, जो आप बर्थडे वाली कैप पहनते हो पूरा पूरा, जहाँ पे पॉलीथीन लगी रहती ना चमकीली वाली पन्नी, तो वहाँ पे कलर आएगा। तो कलर कहाँ पे आएगा, सरफेस एरिया पे, कोन के। कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। तो एल हमें फाइंड करना पड़ेगा, एल हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर ये डिस्टेंस है कैपिटल आर, आप देखिए ज़रा, ये है एल, ये क्या है, एल, इसको हमने क्या माना है, कैपिटल आर, और ये क्या है, हाइट। तो एल का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ ये राइट एंगल है ना, बन रहा ना राइट एंगल, तो एल स्क्वायर प्लस आर एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल इक्वल टू अंडर रूट आर। आर मतलब रेडियस कितनी निकली, 5/2, 5/2 मतलब 2.5 का होल स्क्वायर, प्लस हाइट कितनी है हमारे पास, 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर, तो एल इक्वल टू अंडर रूट 2.5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 6.25, और ये कितना होगा, 36। क्लियर हुआ, तो ये सॉल्व करेंगे तो एल इक्वल टू कितना आएगा, एल इक्वल टू आएगा अंडर रूट 42.25 आएगा सॉल्व करने पर, ओके। इसको ऐड कर दोगे तो आएगा कितना, 42.25। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ओके, ये आ गया। अब 42.25 को आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो 42.25 को 4225/100 तो लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते, ठीक है ना, 4225 को आप 100 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 100 करोड़ कितना आया, 10, और 4225 किसका रूट होता है, 6.65 का, किसका, 65 का, ठीक है ना। अगर आपको भूल रहा हो कि 65 कैसे आता, तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, देखो 4225, 4225, 25 का रूट क्या होता है, 5। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो लगातार जिनका प्रोडक्ट 60 से 42 आता है, तो कौन है, 6 और 7, 6 और 7 का प्रोडक्ट कितना आता है, तो इसमें से छोटा वाला चुन लो, वही रख दो, आंसर क्या आ गया, 65।
फाइव, तो ये 65 इसका रूट आ गया, तो 65/10 कितना आ गया, 6.5। ये आ गई इसकी क्या स्लैंट हाइट, क्या आ गई स्लैंट हाइट, समझ में आया। अब स्लैंट हाइट आ गई है तो इसका कर्ड सरफेस एरिया ये वाला कितना आएगा, कर्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का, क्या होता है पाई आर एल, कर लेंगे सॉल्व। पाई मतलब 22/7, आर का मतलब कितना है ये 5/2, और एल कितना आया है 6.5, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा क्या पाई आर एल, क्लियर है उत्कर्ष, ये पाई आर एल आ जाएगा। अभी देखो, अब इसको आपने यदि कलर के अंदर डाला है तो कलर किस किस पर आएगा, एक तो ये वाली जो सरफेस है इस पर कलर आएगा, हाँ या ना, इसका हमने पाई आर एल निकाल लिया। दूसरा ये जो सिलेंडर है, ये पूरा का पूरा जो इसके साथ ये डंडा फंसा हुआ है, इस पे पूरे के पूरे पे कलर आ जाएगा ना, तो यस और नो, तो उसका कलर आएगा सरफेस पे। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, होता है कि नहीं होता है 2πRh, तो अपन को इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा विद द फॉर्मूला 2πRh। ओके, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, इसको सेकेंड एरिया मान लो, पहला वाला फर्स्ट एरिया ले लो, इक्वल टू 2π, रेडियस क्या लगी कैपिटल आर या स्मॉल आर, स्मॉल आर क्योंकि सिलेंडर है, इनटू हाइट, तो 2π की जगह 22/7, स्मॉल आर की जगह कितना 3/2, और सिलेंडर की हाइट कितनी है बोलो 20, समझ में आया, तो ये आ जाएगा a2, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास क्या आ जाएगा a2, सेकेंड एरिया, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब कहाँ कलर बचा है, आपने आपने कहाँ कहाँ पर कलर कर दिया, आपने ये कलर कर दिया इसके ऊपर, ये वाले पार्ट के ऊपर कलर कर दिया, और आपने ये वाले पार्ट के ऊपर कलर कर दिया। अभी कलर इसके नीचे आएगा, ये टॉय है ना, तो ये नीचे क्या बनेगा सर्कल, क्या बनेगा सर्कल, तो नीचे टॉय सर्कल बनेगा, इसके ऊपर आएगा। और एक चीज़ ये देखो कि ये वाली जो रिंग बन रही है इसके ऊपर भी कलर आएगा, इस पे बीच में तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर घुसी हुई है, फंसी हुई है ना उस पे, वो तो इस पे नहीं आएगा, बट ये बाहर रिंग में कलर आएगा। यदि आप इसको थोड़ा अलग से बना के देखो तो इसके हाल कुछ ऐसे हैं, यस समझ में आया, ये हुई रिंग, क्या हुई रिंग, समझ में आया ना, ये बेल्ट पे आएगा कलर इस पे, तो बाहर वाली की रेडियस कितनी है 5/2, और अंदर वाली की रेडियस कितनी है 3/2, इस पर हमको एरिया, इस पर हमको बताना है कि कलर कितना आएगा, एरिया बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका एरिया देखता हूँ मैं, A3 ले लेता हूँ इसको, A3, तो A3 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई मतलब 22/7, आर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास A3 आ जाएगा। लास्ट A4 मतलब ये वाला एरिया, ये देखिए बेल्ट वाला एरिया, समझ गया ना, कलर इसी पे तो आएगा, तो कैसे निकलेगा पाई बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया, तो पाई बड़ी वाली रेडियस का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाहर वाला एरिया हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर अंदर वाला एरिया, पाई कॉमन क्या आएगा स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, ठीक है ना, कैपिटल आर क्या है 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, समझ में आया नहीं आया, 22/7 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 9/4, समझ में आ रहा है 22/7 25 माइनस 9 हाउ मच 16/ कितना 4, ठीक है, इसको चार बार चला गया ये, तो आंसर 88/7, ठीक है ना। तो ये चार एरिया आ चुके हैं, टोटल एरिया के लिए क्या करोगे, चारों एरिया को ऐड कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइनल टोटल एरिया इक्वल टू A1+A2+A3+A4, क्लियर हुआ। तो इसमें चारों पार्ट का एरिया निकाल करके आपको चारों पार्ट के एरिया को ऐड करना है, देख लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ द बेस कोन माइनस एरिया ऑफ द बेस सिलेंडर करके इसमें सॉल्व किया गया, ठीक है, चलो। तो टोटल एरिया इक्वल टू A1+A2+A3+A4, सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ रहा है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर।